देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो कलर का ऊन लिया हुआ है, मैरून कलर और ये देखिए हरा कलर। दो कलर का हमने यहाँ पे ऊन लिया हुआ है। आप इससे थाल कवर, टेबल कवर भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। देखिए, मेरे सब्सक्राइबर ने कहा है कि उनको सिंपल तरीके से ये डोरमेट, जैसे इससे पहले मैंने ये वाली डोरमेट नेट वाली बनाई थी, तो उनको सिंपल डोरमेट चाहिए थी, सेम वही डिज़ाइन, बट यहाँ पे मैंने ये नेट वाली, जाली वाली बनाई हुई थी, तो उनको सिंपल चाहिए, जो कि ये एकदम सिंपल है। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है ये और बहुत ईजी भी है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इसे दो से तीन रंगों में भी बना सकते हैं, आप जितने भी कलर का बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, छोटी छोटी कली टाइप की ये बनी है, तो ये अभी हाफ कंप्लीट हुई है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 10 नंबर की नीडल ली हुई है और ये 3-ply का ऊल है। आप कोई सा भी ऊल ले सकते हैं, ये मेरे पास था तो इसलिए मैंने सोचा इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है, दोनों कलर, तो इसलिए आप लोग को 3-ply के ऊल से मैं बता रही हूँ। अब देखिए, शुरू से ही हमने यहाँ पे फंदे 2 के मल्टीपल में आपने फंदे डालने हैं, 2 के गुणा करके जितने भी 2 से मल्टीपल हो सके, यानी गुणा हो सके, उतने फंदे हमने यहाँ पे लेने हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमने टोटल 26 फंदे लिए हुए हैं। देखिए, 2 के मल्टीपल हमने फंदे लिए हुए, तो यहाँ पे हमने टोटल 26 फंदे लिए हुए हैं। अब देखिए, हम ये पहली सिलाई बना रहे हैं डिजाइन के। 26 फंदे लेने के बाद हमने क्या करना है, देखिए, शुरू से हम बना रहे हैं, तो इसको देखिए, 26 फंदे लेने के बाद हमने यहाँ पे देखिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक फंदे बढ़ाएंगे, ये देखिए, देखिए हम यहाँ से ऐसे को सिलाई के ऊपर से ले जाएंगे और यहाँ पे हमने एक फंदे बढ़ा लिए। बाकी के फंदे दोनों साइड से हम इसको उल्टा उल्टा बना रहे हैं, यानी गार्टर स्टिच। ये देखिए, जो उल्टी सीधी की होती है उसको हम गार्टर स्टिच बोलते हैं, उल्टे को, तो इसलिए हम ये दोनों साइड से इस डिज़ाइन को हम उल्टा उल्टा ही बना रहे हैं। 10 नंबर का हमने यहाँ पे सिलाई लिया हुआ है। आप चाहें तो इसको पुराने ऊन से भी बना सकते हैं डोरमेट, और आप चाहें तो इसको टेबल कवर भी बना सकते हैं, थाल कवर भी बना सकते हैं। बचे हुए ऊन से, कलरफुल ऊन से बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगता है। आप ऐसे ही देखिए, दोनों साइड से उल्टा उल्टा हम बनाएंगे। आगे की साइड से हमने एक फंदा बढ़ाया हुआ है आपको, हम लोग, मैंने फंदे बढ़ाने बताए हैं 2 तरीक़ों से, इसमें मैंने सिंपल तरीके से बताया है। देखिए, लास्ट में हम यहाँ पे 2 फंदे छोड़ देंगे। 2 फंदे छोड़ने के बाद हम सिलाई को अपनी साइड पलट लेते हैं। ये देखिए, हमने सिलाई को पीछे की साइड से पलट के ऊन को हमने यहाँ सेंटर से निकाल दिया। अब देखिए, हमने सिलाई को अपनी साइड पलटा, अब पीछे की साइड से हमने सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना कर यहाँ तक आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम ये पूरा बनाकर आगे की साइड आ गए हैं, यानी सीधे की साइड आ गए हैं। तो हमने यहाँ पे एक फंदे बढ़ाए थे स्टार्टिंग में ही। अब देखिए, फिर हम इसको हम ऐसे डालेंगे यहाँ पे और फिर हम यहाँ पे एक फंदे बढ़ाएंगे। तो इसको देखिए, हम सिलाई के ऊपर से ले गए और यहाँ पे हमने एक फंदे बढ़ा लिया। ये देखिए, इधर के साइड से हमने एक फंदे बढ़ा लिया है और बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बना रहे हैं। देखिए, ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तभी अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। अगर आप लोग वीडियो को कट करके देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करें। ये देखिए, ऐसे ही हम इसको बनाते हुए जा रहे हैं। तो इसके पहले मैंने ये वाली डिज़ाइन नेट में डाली हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक मेंशन हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट ज़रूर करें, यानी वहां से जाके देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, अब यहां पे हमने फिर 2 फंदे ये छोड़ दिए, 2 फंदा पहले छोड़ा, फिर अब 2 फंदे छोड़े। अब देखिए, उनको हम पीछे की साइड ले जाएंगे और पीछे से हमने देखिए सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। फर्स्ट सिलाई में हमने 2 फंदे छोड़े थे, उसके बाद फिर 2 फंदा छोड़ा, अब हम पीछे का फंदा पूरा यहाँ तक बना के आते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, हम आगे की साइड आ गए हैं बना के, यहाँ पे हमने 2 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं।
अब देखिए हमने ये पांच फंदे बढ़ाने हैं, तो दो फंदे हमने बढ़ा लिया है, ये तीसरा फंदा हम बढ़ा रहे हैं आप पे देखिए। फिर अब आगे की साइड से सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, लास्ट में फिर हम दो फंदे छोड़ेंगे, दो 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 बार करके हमने चार फंदे छोड़ दिए हैं, एक बार में दो छोड़ा था फिर दो, अब हम फिर हम तीसरा फंदा छोड़ेंगे। तो इसको हम ऐसे ही देखिए लास्ट तक बनाएंगे। देखिए आगे की साइड से मैं आप लोग को पूरा बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट करते हैं, इसलिए मैं आज पूरा आप लोग को बना के ये दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझें। देखिए पीछे के साइड से हम पूरा उल्टा उल्टा बनाते हैं, उसमें कहीं फंदा हमने छोड़ना बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे देखिए पहले दो फंदे छोड़े फिर दो फिर दो, ये हमने हमेशा टू के टेबल के सीक्वेंस में छोड़ना है, यानी दो का जो पहाड़ा होता है दो के दो चार फिर छः, ऐसे हमने फंदे छोड़ने। तो यहाँ पे देखिए तीन बार में हमने छः फंदे छोड़े दो दो फंदे करके, पीछे के फंदे जो हैं ये पूरे हम यहाँ तक बना लेते हैं उल्टा उल्टा, फिर आगे की साइड आके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे तीन फंदे टोटल बढ़ा लिए हैं, हम यहाँ पे तीन फंदे बढ़ाए हैं, हमने पांच फंदे बढ़ाने हैं, तो दो फंदे अभी हमने और बढ़ाने, तो हर बारी हमने एक एक फंदे यहाँ से ऐसे को बढ़ा लेना है। ये देखिए हमने ऐसे बढ़ाया और इस फंदे को हमने बनाया, तो हम अब सभी फंदे को फिर हम बनाते हैं जब तक हमने दो फंदे छोड़ने हों। आगे की साइड से देखिए हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना रहे हैं। देखिए फिर हम यहाँ पे दो फंदे छोड़ेंगे, ये देखिए चार बार में हमने आठ फंदे छोड़े दो दो करके। सलाई को देखिए हम पीछे की साइड पलट के उनको पीछे की साइड, ये देखिए अपने साइड हमने यहाँ पे कर लिया है, और बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे चार फंदे हमारे बढ़ गए हैं चार सलाई में, एक एक फंदे करके लास्ट में हम एक फंदा और बढ़ाएंगे। हम यहाँ पे पांच फंदे बढ़ा रहे हैं और दो दो करके हम पांच बार छोड़ेंगे, तो पांच दूनी दस फंदे हमारे पीछे की साइड से छूट जाएंगे। ये देखिए लास्ट वाला फंदा हम बढ़ा लिए हैं, पाँच पाँच फंदे, ये अपने अपने अकॉर्डिंग ये फंदे छोड़ बढ़ा सकते हैं, जितने भी फंदे आप चाहें तो आठ से दस फंदे भी बढ़ा सकते हैं। तो बस आपने इतना ध्यान रखना है जितने फंदे आपने बढ़ाने हैं उतने ही फंदे को हम घटाना भी है हमें। देखिए हम यहाँ पे ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ये आगे की साइड है तो दो दो फंदे करके हम छोड़ते हुए आए हैं, लास्ट में दो फंदा और छोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, पांच बार में हमने दस फंदे छोड़ दिए हैं दो दो करके। फिर हमने पीछे की साइड पलट दिया सलाई को और ये पूरे फंदे को हम उल्टा उल्टा पीछे की साइड से बना रहे हैं। चलिए आगे की साइड आ जाते हैं बना के। देखिए हमने यहाँ पे पांच फंदे पूरे बढ़ा लिए हैं, तो अब देखिए हमने ये वाला तो पार्ट बना लिया है, ये वाला जो फंदे हमने ये वाले बढ़ाए हुए हैं, अब हमने ये बनाना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये हमारी कली की टाइप पाई हुई है, ये देखिए ऐसे ये कली वाला, तो हमने ये पार्ट, तो हम यहाँ पे पांच फंदे बढ़ाए तो पांच फंदे को हमने घटाना है, तो घटाएंगे हम कैसे देखिए, एक ही बार में हमने पांच फंदे को घटाना है। देखिए यहाँ पे हम दो फंदे का एक किए, ये देखिए फिर इस फंदे को हम इसी सलाई पर लाएँगे, फिर हमने दो फंदे का एक किया, दो फंदे हमारे कम हो गए, ये देखिए फिर इसी सलाई पे हम लाएंगे, फंदे हम सीधा सीधा घटा रहे हैं, तीन फंदे हमारे कम हो गए यहाँ पे, ये देखिए एक दो तीन, फिर ये चार, और फिर हम इस पे लाएंगे पांच, पांच फंदे हमारे कम हो गए। तो आप काउंट करेंगे तो देखेंगे हमारे जितने फंदे थे उतने फंदे हो जाएंगे। अब क्या करना है, हमने ये आगे की साइड से सभी फंदे को पाँच फंदे का एक ही सलाई में कम करने के बाद हम सभी फंदे को बनाकर हम पीछे की साइड ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने एक भी फंदे छोड़ने नहीं हैं, सभी फंदे को जो हमने दो दो करके छोड़ा था उन फंदे को भी हम बनाएंगे। देखिए
यहाँ देखिए हमने सभी फंदे को बना लिया। ये देखिए हमने सभी फंदे को यहाँ पे बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पीछे की साइड से हम ये ग्रीन वाले ऊन को लगाएंगे। ग्रीन वाले ऊन को पीछे की साइड से ही हमने ये कलर चेंज करना है। देखिए पीछे की साइड से हम पूरे सिलाई को, हम ये पूरे फंदे को ग्रीन वाले से हम बनाकर लास्ट तक आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक भी फंदे छोड़ना नहीं। फिर हमने सेम यही रिपीटेशन, यानी यही बार बार हमने दोहराना है। देखिए जैसे अभी हमने बनाया है, एक एक फंदे करके हम यहाँ पे 5 फंदे बढ़ा लेंगे। ये देखिए एक एक करके हम यहाँ पे 5 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। 5 फंदे बढ़ाने के बाद हमने एक ही लाइन में, हमने यहाँ पे देखिए 5 फंदे बढ़ाने के बाद एक ही बार में हमने 5 फंदे ये कम कर दिए। तो कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स। आप इस डिज़ाइन में लड्डू गोपाल का ड्रेस भी बना सकते हैं। अगर आप लोग लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाना चाहते हैं तो कमेंट करें। कमेंट करने के बाद मैं ज़रूर आप लोग को इसी डिज़ाइन में आप लोग को बताऊंगी। इसके बाद ये पूरी बनाने के बाद जितने भी आपकी कली बने, उसके बाद हम यहाँ पे इस लड्डू गोपाल जी का चोली तैयार करेंगे सेंटर में। तो आप इसको ज़रूर बनाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।